अच्छा लग रहा है यार, इसमें अशोक जी जो म्यूजिक दे रहे हैं उनका गीत है और अच्छा लग रहा है। फिल्म का नाम भी बहुत ही अच्छा है, दंड नायक। और अभी पहला गाना ही मैं गाने जा रही हूँ हीरोइन के लिए, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी मुहूर्त हो तो मुझे याद करते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि शुरुआत अच्छी हो तो लास्ट भी अच्छी होती है। और जैसा कि देखा गया है कि ज़्यादातर जो भी मुहूर्त फिल्म की होती है वहाँ मुझे बुलाया जाता है, तो मेरी यह खुशनसीबी है। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं उस गाने को अच्छे तरह से गाऊँ, निभा सकूँ। ये गाना बहुत अच्छा है। मैं इसके पहले अभय जी जो प्रोड्यूसर हैं और मिथिलेश जी डायरेक्टर हैं, इनके फिल्म में दो तीन फिल्मों में पहले गाना लिख चुका हूँ। बहुत अच्छा रिलेशन है और काम भी अच्छा करते हैं, इसलिए हमको याद लोग करते हैं। ये आज का गाना बहुत अच्छा है। बाकी राजेश मिश्रा जी हैं, सागर प्रवेशी है, ये गाना आज का बहुत अच्छा लगता है हमको। पहले ही रख दिया, पहले ही रख दिया था कान कई दिल है पिया, सही चल जमनिया जियान कई दिल है। भोजपुरी मिस्टर का गाना लोग पसंद करते हैं। ये इस फिल्म की शूटिंग हम यूपी के अलग अलग इलाकों में करेंगे, जैसे बनारस हो गया, भदोही हो गया, तो गोरखपुर हो गया। ये फिल्म हमारे हिसाब से मार्च तक थिएटर तक पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि इसकी शूटिंग हम 2 महीने बाद शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ा योगदान पल्लवी जी का है। पल्लवी जी इस फिल्म को, उन्होंने बोला कि अभय जी हमको भोजपुरी एक फिल्म करना है, बनाना है, और तो मैंने बोला ठीक है। तो मिथिलेश जी जो डायरेक्टर हैं उनसे मैंने सारा मशवरा लिया, तो पल्लवी जी ने बोला कि ठीक है मुहूर्त करिए। तो पल्लवी जी काफ़ी मतलब इसको लेके, मतलब फिल्म को लेके, और यूपी में ही फिल्म शूट होने वाली, जैसे मिथिलेश जी ने बताया होगा कि आपको यूपी में अगले महीने 2 महीना में, पल्लवी जी ही इनके ही बैनर पे, हमारा ही बैनर रहेगा, इनके ही बैनर सिंह क्रिएशन जो है उन्हीं के बैनर पे फिल्म बनने जा रही है। एज अ प्रोड्यूसर मैं इस फिल्म में जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी आशा है मुझे उस फिल्म से, और अभय जी मुझे डेफिनेटली इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली नॉट। हम बोर्ड देखिए एज अ आर्ट होता है, ये कोई बोल्ड या वल्गर फिल्म नहीं होती। आप कैसे प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन पे हर चीज़ डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, ये हमारी जो दंड नायक फिल्म है ये डेफिनेटली एक्शन फिल्म है। सो वल्गैरिटी या जो आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी फिल्म को कैसे प्रेजेंट किया जाए, आर्ट को, हर चीज़ आर्ट होती है, उसको कैसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, ये डिफरेंट कर देता है, वो देखने का दृष्टिकोण चेंज कर देता है। हमारी फिल्म देखिए, इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं हम डालने की सोच रहे हैं, बट हाँ इसमें इंटरटेनमेंट हो। ये कमर्शियल मूवी है तो इंटरटेनमेंट की दृष्टि से सॉन्ग्स होंगे, ये होंगे, बट कमर्शियल है और एक्शन मूवी है। सेकेंड, फर्स्ट कमर्शियल है, सेकेंड या वो एक्शन मूवी है। और इस दंड नायक में हमें हमारे प्रोड्यूसर अभय सिंह जी और पल्लवी जी बुलाई है और बोले इसमें आपको काम करना है, आपको लीड करना है सेकंड लीड का एक्टर्स के रूप में। और फिल्म की कहानी इतनी ज़बरदस्त है, इसमें मतलब एक्शन है, नाम से ही पता चल रहा होगा दंड नायक फिल्म का नाम है, और नायक जो होता है गलत चीज़ों से बचाने वाला और दंड देने वाला, तो दंड नायक की कहानी बहुत ही एक्शन है और रोमांटिक भी है। मतलब आदमी अगर देखने जाता है पूरे परिवार के साथ भी देख सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और ज़्यादा वो बोलते हैं ना भोजपुरी फिल्में हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि ये दंड नायक में परिवार के साथ नहीं देख सकते, ऐसा किसी पब्लिक को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सब आराम से देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, और कंटाल नहीं आएगा, बोरिंग नहीं होगा। आदमी देखने आएगा फिल्म तो बोरिंग नहीं होगा। अच्छी कहानी मार्केट में अच्छी चलेगी ये उम्मीद है, और आप दर्शक लोग से विनती है कि एक बार फिल्म चलने पर आप लोग आइएगा जरूर। इस फिल्म की कहानी अच्छी है।